हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मायसेल्फ आसिफ खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल, टू योर चैनल, जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान। बच्चे, ट्वेल्थ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 लेकर मैं आज हाजिर हूँ। बच्चे, इन आवर प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, आप पढ़ रहे होंगे, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों की सेहत भी ठीक होगी और आप घर में जम के तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मदद कर रहा होगा जरूर मेरा चैनल जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस। एनी हाउ बच्चे, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन एंड यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर, है ना प्यारा बच्चा। और उसमें चार यूनिट्स मैंने आपको पढ़ाए थे जिनमें यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझते हैं ना, सभी को क्लियर होगा आई होप। क्या था कि हम कंपैरिजन कर रहे थे कि सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है और कितनी अमाउंट में सॉल्वेंट मौजूद है ना, उसको कंपेयर कर रहे थे उन क्वांटिटीज को, और उसी चीज को आपने नाम दिया था कॉन्सेंट्रेशन। क्या टर्म दिया था? कॉन्सेंट्रेशन। और बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन में फर्स्ट फोर यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे, फर्स्ट फोर मैथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहला मैथड था मास फ्रैक्शन, नेक्स्ट था वॉल्यूम फ्रैक्शन, नेक्स्ट था मास परसेंटेज और फिर वॉल्यूम परसेंटेज। देखिएगा क्या क्या पढ़ा हमने, मास फ्रैक्शन पढ़ लिया, मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपने ये फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, लिखे जो खत तुझे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके। एंड मास फ्रैक्शन ऑफ, अगर मैं आपसे बोलूं मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो क्या बोलोगे? शाबाश, सॉल्यूट बोलेगा, आहा मड़ा मास डिवाइडेड बाय सारा मास, WB अपॉन WA प्लस WB। ये दो फॉर्मूले लिखे थे मास फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक ये फॉर्मूला पढ़ा था, दूसरा ये, एक था मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और दूसरा था मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी मास फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, जिस कंपोनेंट की मास फ्रैक्शन निकालनी उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। लाइकवाइज वॉल्यूम फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? शाबाश, वॉल्यूम फ्रैक्शन ये पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूं ताकि आज का लेक्चर आप बच्चों को समझ आ जाए। लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला आज के लेक्चर में। मैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलेगा मेरा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सारा वॉल्यूम, VA अपॉन VA प्लस VB। जहां मास की रेशियो थी वहां वॉल्यूम की आ गई, कुछ भी नहीं किया भाई। यहीं पे अगर मैं बोलूं वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो क्या हो जाएगा? VB अपॉन VA प्लस VB, जिस कंपोनेंट की वॉल्यूम फ्रैक्शन बतानी है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये था आप लोगों ने वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए पढ़ा। फिर आप लोगों ने थर्ड यूनिट जो पढ़ा था दैट वाज मास परसेंटेज, कितने परसेंट सॉल्यूट, अरे बाबा कितने परसेंट सॉल्वेंट। अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं, क्योंकि डिटेल्स तो लास्ट लेक्चर में, जिनने नहीं देखा भाई लास्ट लेक्चर वो जाएं लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ देखकर इस लेक्चर को देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर भी ध्यान दीजिएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट बोलेगा मेरा मास, जैसे आप लोग मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, कैसे निकालते हो? मड़े नंबर डिवाइडेड बाय सारे नंबर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यही है, मास की परसेंटेज निकालनी है तो सॉल्वेंट बोलेगा मेरा मास, अरे ओ सांबा अरे ओ कालिया लिख, मेरा मास डिवाइडेड बाय सारा मास मल्टीप्लाइड बाय 100, मेरा मास डिवाइडेड बाय सारा मास मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर मैं पूछूं आपसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट तो क्या बताओगे? सॉल्यूट बोलेगा मेरा मास, लिखो भाई मैं किसी से कम हूं क्या, मेरा मास डिवाइडेड बाय सारा मास मल्टीप्लाइड बाई 100। वेरी वेरी गुड, आलू आलू गुड, समझ आ गई भाई। मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं कंपोनेंट की सॉल्यूशन के अंदर, उस कंपोनेंट का मास लेना है, डिवाइड करना है उसको किसके साथ, विद टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट और इनटू 100, ठीक है।
और ये 100 क्यों आता है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बड़े प्यार से समझाया है। एक्चुअल में ये 100 डिवाइड किया जाता है, सॉल्यूशन के मास के 100 हिस्से किए जाते हैं। उन 100 पार्ट्स में परसेंट का मतलब ही होता है बच्चे पर 100, कि पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स बाय मास ऑफ एक कंपोनेंट मौजूद है, उसी को बोलते हैं उसकी मास परसेंटेज। क्लियर है? नाउ अगर मैं बोलूं आपसे वॉल्यूम परसेंटेज के लिए, नेक्स्ट यूनिट जो आपने पढ़ा, तो वॉल्यूम परसेंटेज का क्या फार्मूला लिखा था आपने, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सपोज सॉल्वेंट ही लिख लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट बोलेगा मेरा वॉल्यूम, बाबू मेरा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सारा वॉल्यूम इनटू 100। और अगर मैं सॉल्यूट के वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूंगा तो आप बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेगा मेरा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एनी हाउ कंपेयर हो गया बच्चे, कैसे निकालते हैं मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। आप बच्चे यहां पर जो मुझे आज पढ़ाना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन मास परसेंटेज एंड मास फ्रैक्शन। मास परसेंटेज एंड मास फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो हम दोनों क्वांटिटीज सेम है, दोनों क्वांटिटीज आमने सामने बचे, मास फ्रैक्शन भी है आपके पास और मास परसेंटेज भी है। तो बताएं, देखें मास परसेंटेज के अंदर ये चीज आ रही है और ये चीज क्या है भाई, मास फ्रैक्शन। इसका मतलब मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। बोलो क्या, मास फ्रैक्शन की वैल्यू को लोगे जब आप, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, यू विल गेट मास परसेंटेज। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं मास परसेंटेज इज इक्वल टू, किसी भी कंपोनेंट की मास परसेंटेज बतानी है अगर आपको पता है मास फ्रैक्शन, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, बिकॉज क्लियरली दोनों का कंपैरिजन हमें बता रहा है कि मास परसेंटेज के अंदर ही छुपी हुई है मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100 यू विल गेट मास परसेंटेज। और अगर मैं बोलूं आप लोगों का ये रिलेशन भी बन जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज फिर किसके बराबर होगा, देख लो वॉल्यूम परसेंटेज किसके बराबर है बच्चे, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इसका मतलब अगर एक सॉल्यूशन के अंदर आपको एक कंपोनेंट की मास फ्रैक्शन पता है या वॉल्यूम फ्रैक्शन पता है, तो आप उससे आसानी से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो यू विल गेट आइदर मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज। आई होप कि यहां तक आप बच्चों को समझ आ गया होगा। अब अगर हम आगे बढ़े तो बच्चे देखते हैं इस पर एक आध क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। शाबाश, देखिएगा सपोज ये क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉरी ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है कि इफ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज 0.6, मास फ्रैक्शन तो आपको पता है कोई यूनिट्स नहीं होते, रेशियो ऑफ मासेस, तो 0.6 है, देन What will be its mass percentage? तो आपको बतानी क्या है, उसकी mass percentage बतानी है। ठीक है प्यारा बच्चा, तो देखिए आप क्वेश्चन का जवाब आपको पता है भाई, mass percentage निकालनी है। mass percentage किसके बराबर होता है, mass percentage of solvent is equal to its mass fraction की value। mass fraction की value कितनी है, 0.6, और multiply में क्या लिखना है, 100। तो इजी है बच्चे, 0.6 माइनस 6 बाई 10 इंटू 100, 10 टेन्स आर 100, तो 60%, कितने परसेंट बाबा, 60% आंसर। चलिए ये क्वेश्चन अभी आप पॉज करेंगे वीडियो को और फटाफट से रफ नोटबुक पे आप सॉल्व करेंगे, इफ वॉल्यूम, सेल्फ ट्राई करेंगे, शाबाश, इफ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.4 देन What will be its
वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या करोगे, वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 40% आपका आंसर आ जाएगा। ओके ट्राई करेंगे, शाबाश। चलिए एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि आप लोगों को किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आप मास दिया हुआ तो उसको कैसे आप उन कंपोनेंट्स की परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, चाहे वो वॉल्यूम हो, अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम परसेंटेज में, और अगर मास की टर्म्स में दी हुई है क्वांटिटीज उनको परसेंट में कैसे कन्वर्ट कर किया जा सकता है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 देख लीजिए, कहता है कि इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन 16 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दैट सॉल्यूशन। तो वेरी वेरी इजी। जब भी कोई न्यूमेरिकल देखो, ऑफलाइन में मैं यूं बच्चों को एंटरटेन करता होता हूँ जैसे न्यूमेरिकल लिख के, तो जब भी कोई न्यूमेरिकल देखो मुझको एक गाना याद आए आए आए, क्या तमना दितो भी के है, तमना आप के आवे, तमना कढ़नो के है, व्हाट यू आर गिवन विद, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। तो देखिए गिवन क्या है भाई, आपको मास सॉल्वेंट का भी दिया हुआ है, जो क्वांटिटी जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम है वो क्या होता है सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है और मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, और इसका मतलब ये आपका आ गया डब्ल्यू ए और ये आ गया डब्ल्यू बी, गिवन है। तो फटाफट से निकालो ना यार, क्या निकालनी है, मास परसेंटेज किसकी निकालूं पहले, आप ही बोलो। चलो सॉल्वेंट की निकाल लेता हूँ, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट बोलेगा मेरा मास डिवाइडेड बाई सारा मास इंटू 100, है ना। तो सॉल्वेंट का मास 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 ग्राम्स 20 ग्राम्स इंटू 100, इधर 20 लिख दें, अब 16 प्लस 4 20, 5 25 100, तो 16 5 16 5 80, बीवी गेन 80। अच्छा 80% हमारा क्या आ गया सॉल्वेंट, और अगर मैं पूछूं आपसे रिमेनिंग 20% क्या होगा सॉल्यूट, लेकिन चलिए फार्मूले से निकाल लेते हैं सॉल्यूट। देखा आपने कितना अच्छा हमारे पास टॉपिक है कि आप लोगों को एक सॉल्यूशन था जिसमें 4 ग्राम सॉल्यूट है और 16 ग्राम सॉल्वेंट है, तो आप उस मास के कंपैरिजन को किसकी कंपैरिजन में कन्वर्ट कर रहे हो, परसेंटेज बेसिस पर कैसे कंपेयर करेंगे। तो आपको ये पता चला कि इस सॉल्यूशन में जहां 16 ग्राम सॉल्वेंट था वो एक्चुअल में कितने परसेंट हमारा सॉल्वेंट बन रहा है, 80%। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4 दैट इज 20 इंटू 100, तो वही कहानी 5, तो ये हो जाएगा 5 4 20%। क्लियर है भाई, तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बच्चे, शाबाश। अभी आप पॉज करेंगे वीडियो को, ट्राई करेंगे, पक्का पक्का ट्राई करना भाई। 20 ml ऑफ सपोज मिथनोल इज डिजॉल्व इन सपोज 60 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट देयर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। तो ये आप ट्राई करेंगे भाई, यहाँ आपको मास के बजाय क्या दिया हुआ, वॉल्यूम, और पूछा क्या है वॉल्यूम परसेंट।